रेडिएटर जो है, अभी आप में से किसी ने बोला कि रेडिएटर इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पस, तो कूलिंग ऑफ व्हाट? कूलिंग ऑफ आईसी इंजन, है ना। सर, आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कम्बशन इंजन, मतलब जहाँ फ्यूल का हम कम्बशन करते हैं और उस कम्बशन की वजह से जो इंजन की बॉडी पूरी हीटअप हो रही है उसको कूल करने के लिए हमको रेडिएटर की रिक्वायरमेंट है। हालांकि जो कूलिंग है ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर आल्सो, मतलब डायरेक्टली हम एयर कूलिंग कर सकते हैं। जैसे सब लोगों ने बाइक तो यूज की है, बाइक में जो इंजन हम लगाते हैं जनरली हमारे पैरों के पास में होता है, जहाँ से हम गियर एंड ब्रेक को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ हमने कभी भी कोई रेडिएटर यूज नहीं किया है। अब क्या होता है, वहाँ हम सिंपली जो है आपका एयर कूलिंग सिस्टम करते हैं, मतलब इंजन की जो बॉडी है वहाँ हमने इंजन पे कुछ डिजाइन्स बनाई होती हैं, उसको तो फिन्स बोलते हैं, तो फिन्स में से जब एयर पास होती है उसी से कूलिंग हो जाता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो फोर व्हीलर है उसमें भी हम एयर कूलिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने जितने भी ऑटोमोबाइल वाले हैं उन लोगों ने टाटा नैनो की केस स्टडी पे बात किया था हमने, तो टाटा नैनो में हमने बात किया कि वहाँ हमने रेडिएटर यूज नहीं किया, हम वहाँ एयर कूलिंग करते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ मैं, एनीबडी? और एयर यस कूलिंग सर, की जो एयर है वो एयर हम वहाँ कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए हमने टाटा नैनो का डायग्राम देखा था, फोटो देखा था, और रियर जो डोर्स होते हैं उस डोर के पास में हमने उसके लिए एक छोटा सा डक्ट बनाया था। अब कार जैसे ही फॉरवर्ड स्पीड में चलेगी, तेज चलेगी, तो जो भी हवा है वो उस पॉकेट से एंटर करेगी और अंदर तक एयर पहुंचाएगी। अब वहाँ जो पॉकेट बनाया उसके डायमेंशन ऐसे रखे हैं कि जो एयर है वो पर्टिकुलर एंगल पे, प्रेशर पे, वेलोसिटी पे डायरेक्टली इंजन की बॉडी पे चले जाए, मतलब जो कोल्ड एयर है वो डायरेक्टली वहां से अंदर जाएगी, इंजन की बॉडी से स्ट्राइक करेगी, उससे टकराने से वो उसकी हीट खुद ले लेगी, तो एयर गर्म हो जाएगी और इंजन की बॉडी को ठंडा करेगी। और बाद में जो दूसरा जो एयर का फ्लो आ रहा है, मतलब पहले फ्लो तो जो था वो इंजन से टकराया, गर्म हो गया, और पीछे से दूसरी हवा भी एंटर कर गई कोल्ड वाली, तो पहले वाली हवा को पुश करेगी, वो सीधा डिक्की वाला जो पार्ट है वहां से एको डक्ट मिलेगा, वहां से बाहर हो जाएगी और फ्रेश एयर आती रहेगी, तो एक सर्कुलेशन बनता रहेगा। इस तरह से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपकी व्हीकल ज्यादा हॉर्स पावर की है या ज्यादा नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं उस इंजिन में, सिंगल सिलेंडर के अलावा टू सिलेंडर, थ्री सिलेंडर, फोर सिलेंडर, तो अगर नंबर ऑफ सिलेंडर ज्यादा है तो भी हम एयर कूलिंग से इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये जो कूलिंग है बहुत ही इफेक्टिव हो और रिलायबल हो, तो हम क्या करते हैं उसमें रेडिएटर भी इन कर देते हैं, या अगर हमारा ऐसा केस है कि इंजन के आसपास सफिशियंट एयर डक्ट डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम है, तो डिजाइनर फिर क्या करता है कि बेटर ये रहता है कि यार सोचता है कि चलो रेडिएटर लगाओ, तो वाटर कूलिंग जो है ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एयर कूलिंग। ऐसा क्यों है कोई बता सकता है? मैं बोल रहा हूँ कि वाटर कूलिंग इज मोर इफेक्टिव देन एयर कूलिंग। कोई भी एक थोड़ा सा ऐसा कंसेप्ट बताए कि ऐसा क्यों मैम होगा। सॉरी सर, कॉज वाटर की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है एयर से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना। वाटर जो है ज्यादा रेपिडली और ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, तो वो इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा, एयर इतना नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही, तो हम इसीलिए वाटर कूलिंग को प्रीफर करते हैं जब तब जबकि हमारा जो इंजिन है नंबर ऑफ सिलेंडर उसमें ज्यादा है ना। जैसे कुछ ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर में सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आ रहा है, एक आइशर कंपनी जो है वो ट्रैक्टर्स बनाती थी, तो इनिशियली उन लोगों ने जितने भी ट्रैक्टर बनाए सब एयर कूल्ड थे, उन्होंने रेडिएटर बनाया नहीं। अब मैंने जैसे कल भी बोला था कि जितना भी जो इक्विपमेंट फार्मिंग में लगता है उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, तो उन्होंने रेडिएटर ही एलिमिनेट कर लिया था ताकि एक कंपोनेंट कम हो गया तो आपको कॉस्ट वाइज अच्छा एडवांटेज मिलेगा, है ना। लेकिन बाद में फिर जब उन्होंने, अपन ने बताया ना कि जो ट्रैक्टर है वो सिर्फ फार्मिंग जितना अकेला वही काम नहीं करता है, हम उससे और ज्यादा भी वर्क ले रहे हैं, है ना, वो आर्टिकुलेटेड हम उसको बना के चाहे जो काम ले रहे हैं, तो फिर अब वो उसके लिए फिर बेटर है कि हम उसमें वाटर कूलिंग स्टार्ट करा दें। तो फिर ट्रैक्टर जो है उसका तो मेन पर्पस ही है लोड लेना, है ना, लोड को मतलब ट्रैक्शन देना। ट्रैक्टर जो वर्ड है ना एक्चुअली ट्रैक्शन से बना है, और ट्रैक्शन मतलब जो टॉर्क से लेके ऐसे पूरा खींच दे जिसका ज्यादा टॉर्क हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ट्रैक्टर के रियर व्हील्स होते हैं उनका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है,
इतना ज्यादा डायमीटर वाला अगर जब कभी रोल पे टर्न करेगा तो वहां आपको टॉर्क अच्छा मिलेगा, तो ट्रैक्शन के लिए काम है। कभी ध्यान दिया हो तो आप लोगों ने, तो जो रोड पे कभी कभी हमारे घाट सेक्शन आते हैं है ना, जहाँ पे पहाड़ के से ऐसे टर्न कर करके आपका जो बसेज या ट्रक जाते हैं, तो अगर इनकेस कभी हेवी व्हीकल जो हमारा है लाइक ट्रक है वो अगर वहाँ फंस गया है, अब वो खुद सेल्फ तो प्रोपेल नहीं हो पा रहा है बिकॉज अब बैटरी का प्रॉब्लम हो या कोई उसमें ब्रेकडाउन आ गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन आ गया, तो वो खुद तो आगे जाएगा नहीं। अब उसको ट्रैक्शन की जरूरत है, कोई ऐसा पार्ट होना चाहिए जो उसको उतने हेवी लोड को भी टो करके ले जाए उस पहाड़ के ऊपर तक। तो इन ऐसी जगहों पर ट्रैक्टर जो है बहुत ही सक्सेसफुली काम करता है, क्योंकि ट्रैक्टर में जो इंजन है वो उसका हॉर्स पावर काफी ज्यादा होता है और टायर उसके अच्छे बल्की हैं, तो टॉर्क बहुत सफिशियंट सप्लाई कर देता है। तो कुछ लोग जो है उसको वहां पे भी अलग से रखते हैं ताकि अगर कोई ऐसा हैवी व्हीकल जाम हो जाता है और उसके जाम होने की वजह से पूरा रास्ते जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ट्रैक्टर जो है बड़ा इजीली उसको स्मूथली पूरे आपके जो पहाड़ वाला जो पार्ट है उस पर चढ़ा के सीधा ऊपर जब तक फ्लैट सरफेस में आए वहां तक इजीली ले जाता है ना। तो ऐसी सारे चीजों में अगर हम चाहेंगे कि वो वाटर कूलिंग से काम करे तो बहुत अच्छा। अब कार की बात अगर हम करते हैं तो कार में कौन सी वाली जिसमें कि फ्रंट इंजिन है, मतलब तो जो इंजिन का जो माउंटिंग है वो फ्रंट साइड है, तो वहां हम वाटर कूलिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि उन कारों में हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाना है। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम अगर हम लगाएंगे तो बोनट के इनसाइड जो भी स्पेस है वो और ज्यादा कंज्यूम हो जाना है, मतलब वहां पे आपको ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, सफिशियंट ओपन स्पेस नहीं मिलने से एयर कूलिंग जो है आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो वहां भी हम ऐसे केसेस में फिर वाटर कूलिंग ही प्रिफर करेंगे क्योंकि एयर कंडीशनिंग के भी अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स फिट होंगे, तो बोनट के इनसाइड जो भी पार्ट है पूरा कंज्यूम हो जाना है। इवन एयर कंडीशनर के लिए भी हमको एक रेडिएटर अलग से लगाना पड़ता है, हालांकि हम उस समय उसको रेडिएटर वर्ड के बजाय कंडेंसर बोलना पसंद करते हैं है ना। जिन घरों में एयर एसी वगैरह लगे हैं तो उन्होंने कभी ध्यान दिया होगा कि या तो वो रूफ पे छत पे या साइड में जहाँ उनका रूम के बाहर ओपन स्पेस होता है वहां हम एक कंडेंसर यूनिट लगाते हैं है ना, जिसमें जो है फैन लगा होता है और वो फैन जब ऑन होता है तो बिल्कुल हॉट एयर ही बाहर फेंकता है। एक्चुअली वो फैन की हेल्प से हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उस पर्टिकुलर रीजन में कूलिंग इफेक्ट के लिए काम करते हैं है ना। अब वो एसी वाला जो पूरा साइकिल है वो जब तुम लोग समझोगे उसको एक्चुअली हम बोलते हैं वीसीआर सिस्टम, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस का है ना। पर हम ये सारी चीजें हमारे कार में भी लगाते हैं और उसके लिए भी हमको ठीक वैसा ही कंडेंसर लगाना होता है जो सामने अपनी स्लाइड में रेडिएटर के लिए लगा हुआ है ना, एग्जैक्टली यही होता है। और रेडिएटर सिंपली सिर्फ रेडिएटर नहीं है, एक्चुअली इसका नाम मैंने कल ये आपको बताया था कि हम इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर है ना, जो हीट एक्सचेंज करेगा, अपने पास वाला जो हीट है वो सराउंडिंग एयर को दे देगा और सराउंडिंग एयर से जो हीट कोल्डनेस है वो खुद ले लेगा, ऐसा होता है ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर HE, और ये कई जगहों पर लगता है। अब जैसे मैंने पूछ लिया कि आप बताओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर है तो लगेगा या नहीं लगेगा, तो वहाँ उसका हो सकता है साइज छोटा हो, उसका पर्पस कुछ और हो, पर कूलिंग के लिए हमको हीट एक्सचेंजर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। जैसे अगर मेरा कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जैसे लेट्स से हार्ड डिस्क है या माइक्रो प्रोसेसर है तो वो भी चीजें गर्म होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो आपके पास लैपटॉप है या घर में अगर PC रखा डेस्कटॉप है तो उसमें भी जो CPU उसके पीछे अंदर में फैन लगा होता है और हमारा जो लैपटॉप होता है उसमें भी साइड में थोड़ी थोड़ी देर में हॉट एयर बाहर आती रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी कंटिन्यूस रनिंग या वर्किंग जब करते हैं तो हीटअप हो जाते हैं, उनका भी कूलिंग रिक्वायर्ड है। अगर उनको हम कूलिंग नहीं करेंगे तो उनका जो एफिशिएंसी है पहले वो डाउन होगा और फिर एक लिमिट के बाद वो बर्न हो जाएंगे। तो उन कंपोनेंट की सेफ्टी के लिए या उनके परफेक्ट कूलिंग के लिए भी हम इस टाइप के कुछ छोटे छोटे हीट एक्सचेंजर्स वहाँ यूज करते हैं, हालांकि उनका नाम हम उस समय शायद हीट सिंक दे देते हैं है ना। हीट सिंक, सिंक और सोर्स, ऐसे दो वर्ड जो है हम थर्मल में पढ़ते हैं, सोर्स जो है हीट जनरेट करेगा और सिंक जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में छोटे छोटे से भी हम ऐसे पार्ट्स लगाते हैं, वहां पे हम उसके लिए
फिन्स भी लगाते हैं उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। और फिन्स जो है हम समझ सकते हैं कैसा, जो हमारे बाइक में इंजन के ऊपर बहुत ही एल्यूमिनियम की पार्ट की अगर देखें पतली पतली सी ऐसी लाइंस बनी होती हैं, जैसे सामने रेडिएटर में ये जो वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो है एक्चुअली पाइपलाइन है, और इन पाइपलाइन के बीच में इनको हॉरिजॉन्टल बहुत थिन पत्तियों से हमने कनेक्ट कर रखा है। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं ये फिन्स कहलाती हैं। मतलब क्या करा हमने, जो ओवरऑल जो भी रेडिएटर का एरिया है, सरफेस एरिया, उसको हमने थीन थीन जॉइन करके सरफेस एरिया बढ़वा लिया, ताकि सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाए जिसके पास हीट है, और वो एयर से जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो बहुत रेपिडली अपने पास की हीट एयर को दे देगा, है ना। सिंपली हमको क्या करना है, आपके हीटेड सरफेस का एरिया इंक्रीज करना है, सो देट ज्यादा एयर उसके कॉन्टेक्ट में आ जाए और वो जल्दी से कूल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम रेडिएटर से आगे बढ़े, क्योंकि तो दूसरा दिन हो गया और हम रेडिएटर पे अटक गए, हमारे पास और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, है ना। अभी कोई ऐसा कोई डाउट हो, ऐसा लग रहा है कि अभी डिस्कस करना चाहिए तो बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, जैसा बताएं। चेंज हो जाए, स्लाइड चेंज कर लें, कोई एक रेस्पॉन्ड? यस सर। ओके, अब सामने जो मेरे डायग्राम एक शो किया है, ये सिर्फ इसीलिए है कि हम देख सकें कि रेडिएटर कहाँ लगता है। तो जो डायग्राम हमारे लेफ्ट हैंड पे, जो हमने अभी राइट मार्क किया है, इसमें ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल में बना रहा हूँ ये इंजन है, और बाकी हम ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे फ्रेम है, और फ्रेम में हम देखें तो एक लॉन्ग मेंबर है और छोटे छोटे से क्रॉस मेंबर्स भी हैं, है ना। फिर यहाँ फ्रंट में देखें जहाँ मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये भी आपका क्रॉस मेंबर है जो कि दो लॉन्ग मेंबर्स को कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो हमारा क्रॉस मेंबर है, इसी मेंबर पे हम यहाँ पे रेडिएटर वर्टिकली माउंट कर देते हैं, और पीछे में ये कुछ पुलीज दिख रही है जहाँ भी अभी मैंने जस्ट सर्कल बनाया, इन दो पुलीज में से एक जगह पे हम लोग यहाँ पे फैन लगा के रखते हैं, और वो फैन जो है इंजन ऑन करते ही वो भी ऑन हो जाता है, तो फैन का जो ड्राफ्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसा मतलब कि हवा बाहर की तरफ फेंकेगा। क्या ये सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए? अगर ये अब एक बात बता दो कि फ्रंट साइड ये है और व्हीकल का जो रियर है वो जहाँ मैंने आर लिख दिया है वो है, तो जब फॉरवर्ड गियर लगाऊंगा तो व्हीकल जो है फ्रंट साइड आगे बढ़ेगी, और जो फैन है उसका ड्राफ्ट भी अगर मैं बाहर की तरफ रखूँ तो वो जल्दी कूल करेगा। क्या ये बात सही लगती है, या कोई डाउट लगता है, या इसमें, या ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी? मेरे हिसाब से मैंने बोला कि फैन वहां रखूंगा और रेडिएटर सामने होगा जहाँ क्रॉस मेंबर है, मतलब ऐसा, या यहाँ रेडिएटर लगेगा, ये जो मैं एक छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ कि क्यूबाइड बना दूँ, यहाँ रेडिएटर लगेगा, या मैं कलर चेंज करूँ, हमारे पास ऑप्शन है क्या कलर चेंज करने का? चलिए यहाँ ऐसा करते हैं, नहीं कलर चेंज ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, है इंक चेंज येलो ले लिया मैंने। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीछे आपका फैन होगा, नहीं यार उसने इंक चेंज नहीं करी, साइड वाला जो डायग्राम है जहाँ राइट मार्क किया वहाँ देखें, एक यहाँ पे रेडिएटर लगा है, ठीक ऐसा ही रेडिएटर आपके जहाँ मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ लगा है, और मैं बोल रहा हूँ कि उसके ठीक पीछे बैक में हम फैन लगाएंगे, और वो फैन जब ऑन होगा तो उसकी जो एयर है वो बाहर की तरफ आना चाहिए जो मैंने एरो लगाया, ऐसा। किसी को मेरा क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो चलो ठीक है, मैं वापस बताऊंगा कि मैंने ये जो बात बताई कि एयर जो है वो इंजन से रेडिएटर को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ फैन में फेंकना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं। एक्चुअली हम यहाँ पे जो फैन लगाते हैं वो इंड्यूस ड्राफ्ट की तरह काम करता है। कुछ लोगों के माइक ऑन है, जैसे मयूर, सुरभि और आदित्य, वहाँ कहीं घर पे आसपास आवाज है, अभी ठीक है ना। तो मैं जो बोल रहा था वैसा नहीं होगा, यहाँ जो फैन लगेगा उसकी एयर जो है वो डायरेक्टली इंजन की तरफ थ्रो करेगा, और जब वो ऐसी एयर जब वो इंजन की तरफ थ्रो करेगा तो रेडिएटर के बाहर जो एयर है वहां से सक्शन प्रोसेस होगी, जिसको अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो वो रेडिएटर से पहले हवा टकराएगी, तो रेडिएटर में जो भी आपका कूलेंट है वो पहले कूल होगा, फिर उसके बाद वो जो एयर है वो डायरेक्टली इंजन की बॉडी पे थ्रो करेगा,
तो जो भी अपने को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अरे रेडिएटर से हवा टकरा के आई है तो वो तो हीटअप हो चुकी है, अब वो जब हीटेड है उसी को हम इंजन पे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि रेडिएटर से उसने हीट तो एब्जॉर्ब कर ली बट अभी अभी भी उसमें इतना कोल्डनेस है कि वो इंजन की बॉडी से जब जाके टकराएगी तो उसको भी थोड़ा सा और कूलिंग इफेक्ट दे देगी, है ना, क्योंकि इंजन के आसपास हमने इंटरनली वाटर जैकेट्स बना के रखी है तो वो उसको ठंडा कर रही है, मतलब वहां पे हमने वाटर कूलिंग लगातार कर रखा है। ये तो हम इन एडिशन उस एयर को वापस से इंजन की बॉडी पे थ्रो करा के और जितना हम अभी उस एयर से थोड़ी सी कोल्डनेस ले सकते हैं वो भी ले रही, मतलब हम उससे और ज्यादा थोड़ा सा हमारे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फैन होगा वो बाहर से एयर सक करेगा और फिर इंजन की बॉडी पे थ्रो करेगा। इस तरह से रेडिएटर में अंदर का जो कूलेंट है वो भी कूल्ड, थोड़ा सा उसका भी टेम्परेचर डाउन होगा और इंजन की बॉडी पे भी हम ये एयर थ्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो इंजन अपन ने अभी देख लिया कि रेडिएटर कहाँ लगता है, उसका पर्पस क्या है, फंक्शन कैसे करेगा और हम उससे एफिशिएंटली कैसे वर्क कर सकते हैं, है ना। उसमें हम अंदर कूलेंट भी मिक्स करते हैं, वाटर भी मिक्स होता है, जब गर्म होगा तो स्केलिंग भी निकलेगी, तो बेटर है कि हम इस पूरे में वाटर जो है एक बार में एक जो वाटर फिल कर दिया उसी का यूज करते रहे जब तक तब तक कि अंदर सिस्टम में कहीं कोई लीकेज की वजह से वाटर का लॉस ना हो जाए, है ना। और ये जो सिस्टम होता है पूरा प्रेशराइज्ड सिस्टम होता है, मतलब अंदर एक वाटर पंप लगा रखा है और वो विद प्रेशर पूरे वाटर को जहां जहां भी छोटी छोटी सी वाटर जैकेट्स हैं, जहां स्पेस बहुत कम है, नेरो है, वहां से भी फ्लो करा देता है। तो उसके लिए प्रेशर चाहिए, प्रेशर हाई प्रेशर पर जब वर्क करता है तो उसकी हेल्प ये है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो वाटर की स्टीमिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की और वो प्रेशराइज बना रहे उसके लिए हम कैसे इंश्योर करते हैं, हम क्या करते हैं रेडिएटर के टॉप पे जहां मैं भी सर्कल बना रहा हूँ वहां से जहां से कि हम इसे वाटर ऐड करते हैं वहां पे हम एक कैप फिट कर देते हैं और वो कैप जो है सील्ड होती है, मतलब वहां हम ओरिंग्स और रबर के रिंग्स बना के लगा के रखते हैं ताकि वो पूरी तरह से परफेक्ट सीलिंग का काम कर दे, तो अंदर की एयर बाहर नहीं जाएगी, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आएगी। और एक बार अगर आपका सिस्टम वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है तो अंदर जैसे ही प्रेशर डेवलप हुआ तो जो भी कैप हम यहाँ माउंट करेंगे वो कैप अपनी लॉकिंग की पोजीशन पे ऐसी फिट हो जाती है कि हम उसको निकाल भी नहीं सकते, मतलब अगर उसको निकालना है अगर वर्किंग कंडीशन में, जो कि बहुत रिस्की है, जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, कभी भी रेडिएटर पे लगी हुई कैप नहीं निकालना, है ना, क्योंकि अगर खुल गई तो अंदर से विथ प्रेशर हॉट वाटर बहुत ही हाई स्पीड में बाहर आएगा, विथ वेलोसिटी बाहर आएगा, है ना, एकदम शॉवरिंग करेगा और बहुत ही डेंजरस है, लाइफ के एंड डेथ का मामला है वहां पे, तो वो कभी नहीं करते हैं। बट अगर कोई उसको ओपन भी करेगा तो ओपन कर नहीं पाता है, बट अगर उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और किसी तरह खोल दिया तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है जो कभी भी नहीं करना है। क्लियर है सबको? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है जो हो गया रेडिएटर। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड जो हमारा सिस्टम है उसमें नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम जैसा कि उसका नेम से इंडिकेट हो रहा है ना कि ये कुछ ना कुछ चीज को ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे हम अगर व्हीकल की बात करें तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है पावर, है ना। पूरा जो व्हीकल है, लेट्स से टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अल्टीमेटली हमने उसको लिया क्यों है या हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, पावर। तो पावर कहाँ प्रोड्यूस करें, तो हमने बोला चलो इंजन में प्रोड्यूस कर लेंगे, या अगर इंजन नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प ले लेंगे, तो वहां से हमको एक मैकेनिकल पावर मिल जाएगा, वो सोर्स हो गया हमारा, पावर पैक हो गया। अब ये जो पावर आपने जनरेट कर दिया, इस पावर को जब तक कि आप रोड व्हील्स तक ट्रांसमिट नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी में लगे पहियों तक ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तब तक तो हमारे किसी काम का ही नहीं। आप कितने ही पेट्रोल चला लो, डीजल चला लो, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको मोटर को देते रहो, वो घूम रही है, आप देख रहे हैं, किसी काम का ही नहीं, तब तक कि वो हमारे गाड़ी में लगे व्हील्स को रोटेट ना करते। जब व्हील रोटेट होंगे तभी तो पूरी व्हीकल आगे बढ़ेगी। तो इंजिन में जनरेटेड पावर को ट्रांसमिट करने का जो काम है वो है इस ट्रांसमिशन सिस्टम का। अब ये सिस्टम है, मतलब ये कंपोनेंट नहीं है, ये सिस्टम में और भी सब सिस्टम्स लगे हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लच सिस्टम। मतलब मैं यहाँ पे क्लच को भी सिस्टम वर्ड से बोल रहा हूँ, क्लच अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, कह
कहने को ट्रांसमिशन का एक सब सिस्टम है, बट इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री। पूरा जो सिस्टम है बड़े इजीली काम नहीं करता है, लेकिन जो भी है इंजीनियर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया है। जो भी हमारा वहाँ पर्पस होता है बहुत ही परफेक्टली बनाया गया है और इतना स्मूथ है कि जब भी कभी आप लोग क्लच ऑपरेट करते हैं, जनरली क्लच को कब हम ऑपरेट करते हैं कोई एक बताना चाहेगा मनोज? गियर चेंज करते टाइम। हाँ, गियर चेंज करते समय एग्जैक्टली गियर चेंज किया करना हो या ब्रेक अप्लाई करते हैं तब भी शायद हम क्लच प्रेस कर देते हैं। नहीं, कुछ कुछ रहते हैं सब ब्रेक प्रेस करने पे क्लच भी प्रेस करते हैं। हाँ, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं मतलब आप चाहते हैं कि व्हीकल को स्लो डाउन करें तो बेटर होगा कि आप क्लच भी प्रेस कर दें। उसके क्लच के प्रेस करने से क्या होता है कि व्हीकल जो है टाइमिंग जो है न्यूट्रल पोजिशन में आ जाती है और क्लच का मेन काम होता है इंजन के पावर को सबसे पहले रिसीव करना और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट लगा है जिसको हम बोलते हैं गियर बॉक्स उसको ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो अगर आपने क्लच प्रेस कर दिया मतलब आपने क्लच को डिसइंगेज्ड पोजीशन में रख दिया है तो इंजन का जो पावर है वो गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएगा। अब गियर बॉक्स को नहीं पहुंचेगा तो गियर बॉक्स के बाद जो नेक्स्ट जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं जो कि फाइनली रोड व्हील तक हैं उनको भी पावर मिलना बंद हो जाएगा। तो उनको भी पावर मिलना बंद हुआ मतलब आपने एक काम तो कर दिया कि आगे जो इंजन से जो पावर आ रहा था उस पावर को ही आपने कट ऑफ करवा लिया सिंपली क्लच प्रेस करके। तो अब आपको रोकने के लिए कम ब्रेकिंग फोर्सेस से भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी फील किया होगा कि क्लच प्रेस कर देने के बाद व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, किसी ने किया ऐसा फील? यस सर, है ना। क्लच को जैसे क्लच को जैसे प्रेस करेंगे तो हमारी व्हीकल की स्पीड इसलिए बढ़ती है क्योंकि इंजन के पार्ट्स जो रोटेट हो रहे थे जो मूव कर रहे थे जो कि मोशन में थे कुछ उसमें स्लाइडिंग मोशन कर रहे थे कुछ उसमें रोटेटरी मोशन कर रहे थे और वो सब आपने डिसइंगेज कर दिए तो पूरी जो व्हीकल है वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन अब फ्रीली रोलिंग कंडीशन में आ गई, अब आसानी से रोल करेगी। और अगर आपकी जो व्हीकल है वो स्लोप डाउन पे है तब तो और तेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम हर जगह पे ऐसा नहीं करेंगे कि अब स्लोप में आ गए हैं और आपको गाड़ी रोकना है तो आप एकदम से पूरे स्पीड में हैं और क्लच भी दबा दिया और बहुत तेज स्पीड में चले जा रहे हैं, वो रिस्की होगा। तो ऐसी स्थिति में तो हम पहले ही स्पीड कम कर लेंगे। हम ब्रेक अप्लाई करने की बात कब कर रहे हैं जब हम स्लोप हमको पता है कि अब स्लोप पे आने वाले हैं तो उसके जस्ट पहले ही हम पहले क्लच को डिसइंगेज करेंगे उसके बाद हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। चूंकि क्लच के डिसइंगेज करने से इंजन का अभी फर्दर कोई पावर नहीं आ रहा है तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ इनर्शिया की वजह से रोटेट हो रहे हैं और वो भी थोड़ी देर बाद खुद ब खुद रुक जाना है क्योंकि आगे उनको कोई सोर्सेस है अब हेल्प मिल ही नहीं रही है तो उसका पावर आना बंद हुआ और इधर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो आप काफी जल्दी आपके स्टॉपिंग डिस्टेंस को कवर करके व्हीकल को सेफली रोक सकते हैं। तो हम क्लच को तब भी यूज करें मतलब क्लच को हम तब भी डिसइंगेज करें जबकि हम ब्रेक अप्लाई करना चाहते हैं। और पहला तो है आपका कि हम क्लच को तब करेंगे यूज जब हमको गियर चेंज करना है। आ रहा है समझ में? क्लियर है सबको अभी? यस सर, है ना। अब क्लच कैसे वर्क करता है ये हमको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। उसमें बहुत वैरायटी के टाइप्स ऑफ क्लचेस हैं, उनको रियली ये सब काम कैसे कर देता है और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कौन कौन से चैलेंजेस हैं और जिनको बड़ा ही ब्यूटीफुली मैकेनिकल इंजीनियर्स ने सॉल्व किया। मतलब जब आप लोग पहली बार अगर उसको कोई पढ़ता है समझता है तो मतलब मुझे तो मजा आ गया था कि अरे वाह, मतलब कितना प्यारा सोचा कि जिसने भी पहली बार सोचा होगा क्लच बनाने का। अपन लोगों ने जब हिस्ट्री डिस्कस किया था तो अपन ने कभी इसके लिए अलग से बात ही नहीं किया कि किसी ने क्लच बनाया होगा। अरे मतलब पहली बार जब उसने बनाया तो क्या मजा है। नहीं तो सोचो अगर क्लच नहीं होता तो गाड़ी को आगे मूव करने के लिए कब, जब वो इनिशियली हम रेस्ट से आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब शायद क्लच नहीं होता तो हम क्या करते, जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी हमारे साथ जाएंगे सबको पहले बोल देते कि सब बैठ गए, वो सब अटेंडेंस लगा देते कि यस ओके टेक बैठ गए। अब वो बोलता कि अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही वो इंजन स्टार्ट करता कि गाड़ी आगे बढ़ जाती, सोचो कितना ज्यादा जर्क आता। लेकिन क्लच की हेल्प से हमको इतना फायदा है
कि हम इंजन पहले से स्टार्ट भी किए हैं तो भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपने क्लच को डिसइंगेज कर दिया है। आराम से सब लोग बैठ जाएं और विदाउट एनी जर्क वो पहली बार जब गाड़ी को आगे बढ़ाता है फर्स्ट गियर अप्लाई करके तो भी कभी भी हमने जर्क फील नहीं किया और ये सारा काम हमको करके देता है क्लच जो कि एक कंपोनेंट नहीं है नंबर ऑफ कंपोनेंट से बना हुआ है। हर कंपोनेंट का अपना वहां पे एक पर्पस है जो हम तब डिस्कस कर पाएंगे जब हम क्लच सिस्टम पढ़ रहे होंगे, है ना। आज अभी नहीं कर सकते। तो क्लच जो है इंजन से पावर रिसीव करेगा देन फिर वो ट्रांसमिट करेगा गियर बॉक्स को। अच्छा, जो गियर बॉक्स है उसका यूज हम जनरली करते हैं उन सभी व्हीकल्स में जिसमें हमारी जो गाड़ियां गियर्ड होती। मतलब मैं यहाँ पे होंडा एक्टिवा के लिए बात नहीं कर पाऊंगा, स्कूटी के लिए बात नहीं कर पाऊंगा, और भी ऐसी व्हीकल्स हैं मोपेड्स हैं जिनमें हमारे पास गियर के लिए कोई ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन जिन व्हीकल्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे बाइक हुई कार हुई वहाँ हमारे पास गियर का ऑप्शन है और गियर की हेल्प से हम लोग जो है बड़ी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में व्हीकल को रन कर पाते हैं, है ना। सभी लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं हम और फिर हम गियर को चेंज करते हैं, मतलब पहले हम फर्स्ट से सेकंड में चले जाते हैं फिर थोड़ी सी स्पीड आगे बढ़ाते हैं और हम खुद ही फील करने लगते हैं अंदर से ऐसी मतलब प्रॉब्लम आने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि अरे जल्दी से गियर चेंज करो क्योंकि उसकी जो नॉइज है और एक्सीलेटर दे देने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही होती तो बहुत ही एकदम अनकंफर्ट हो जाते हैं और जैसे ही गियर चेंज करते हैं ऐसा लगता है चलो स्मूथ हो गई। फिर थर्ड में आ गए थोड़ी सी और स्पीड बढ़े और फिर वही प्रॉब्लम हमें आने लगती है कि अरे नहीं जल्दी से फोर्थ गियर भी सिलेक्ट करो। अगर कार है तो हम जब तक फिफ्थ गियर अप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक मन में ऐसा लगता है डिससेटिस्फेक्शन होता है कि अरे प्रॉब्लम आ रही है। ये शायद सबने फील किया हो और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि फिफ्थ स्पीड सिलेक्ट कर देने के बाद भी मन में सोचते हैं कि काश एक स्पीड और एक्स्ट्रा मिल गई होती तो चलाने का एक अलग मजा आता। मतलब हम चाहते हैं कि जितना स्मूथली रोलिंग आए उतना हम उस ट्रेवल का राइड का एंड को एंजॉय कर पाए, है ना। तो ये सारी फैसिलिटी हमको देता है गियरबॉक्स। अच्छा, इस गियरबॉक्स में और भी हमको हेल्प की है जैसे अगर हमारे रिक्वायरमेंट है तो हम रिवर्स स्पीड भी यूज कर सकते हैं। क्या मुझे पार्किंग से व्हीकल बाहर निकालना है पार्किंग में लगाना है तो मुझे जब तक रिवर्स का ऑप्शन ना हो मैं कैसे करूँ। कभी शायद आप लोगों ने ध्यान दिया ऑटो रिक्शा जो होते थे बहुत पुराने उनमें रिवर्स गियर नहीं होता था तो ड्राइवर जो होते थे वो अपनी स्किल पूरी लगाते थे और इधर से उधर से कैसे भी स्टीयर कर करा के बाहर निकाल लेते थे। लेकिन बाद में जब फिर उन लोगों को भी ऐसे व्हीकल्स बना के दिए जैसे बजाज कंपनी जो है सबसे पहली थी जिसने ऑटो रिक्शा में भी रिवर्स गियर का ऑप्शन दिया बड़ा ही सक्सेसफुल रहा कि चलो कर लें। हालांकि वो सब पायलट से कम नहीं होते हैं जितने भी ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो कर भी लेते थे बट विदाउट रिवर्स गियर कैसे इमेजिन करें कि हम हमारा ये जो है कार यूज कर लें ट्रक बसेस कैसे करें। तो गियर बॉक्स जो है वहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर थर्ड जो हमारी सबसे बड़ी हेल्प है गियर बॉक्स की वो है कि वो न्यूट्रल पोजीशन के लिए भी हमको अलाउ करता है। मतलब इंजन रन कर रहा है क्लच आपने क्लच पेडल पे से पांव हटा दिया मतलब क्लच इंगेज है उसके बाद भी अगर आपने गियर बॉक्स को न्यूट्रल कर दिया तो आपकी व्हीकल आगे जाएगी ही नहीं कोई इशू ही नहीं उसमें। ये कब हमको हेल्प करता है जब हम रेड सिग्नल पे हैं ट्रैफिक में हैं और अब हम थक चुके हैं कि बार बार क्लच कब तक प्रेस करके रखें तो हम क्या करते हैं क्लच को तो प्रेस किया और गियर बॉक्स को न्यूट्रल पोजीशन में सेट किया और क्लच पे से भी पांव हटा लिया ब्रेक पे से भी चलो यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लें क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हो तो आपके पैर डेफिनेटली बार बार ऑपरेट होते हैं वहाँ पे ड्राइवर जो है फटी जाता है तो ये गियर बॉक्स हमारी तब बड़ी हेल्प करता है। फिर गियर बॉक्स से हमको और भी हेल्प मिलती है जैसे अगर आपको सडनली जो है आपको पहाड़ जैसा आपका रीजन आ गया आप ऐसा टेरेन ऐसा आ गया कि अब तो आपको अपसाइड जाना पड़ेगा तो वहाँ हम इमीडिएटली अपने टॉप गियर से सीधे सेकंड थर्ड ऐसे गियर में आ जाते हैं और बड़ी इजीली हम वो वाला रीजन भी बड़े आसानी से स्मूथली पार कर लेते हैं। जब हम स्लोप डाउन में जा रहे होते हैं तो अगर हम टॉप गियर में जाएंगे तो स्पीड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है हम इमीडिएटली वहाँ पे भी स्लो स्पीड सिलेक्ट कर लेते हैं कि यार बड़ा सेफली उतरना है चलो सेकंड में उतार लो थोड़ा सा रास्ता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा कोई इशू नहीं बट क्यों ऐसा करें तो हम गियर बॉक्स की वहाँ पे भी हेल्प ले लेते हैं। मतलब सेफली चलाना है तो हमारे लिए गियर बॉक्स का बहुत ही बड़ा हमें हेल्प है ना। ट्रैफिक रीजन में है सिटी कंडीशन में है तो हम कम में चलाते हैं हाईवे पे आ गए हम इमीडिएटली फिफ्थ गियर में रन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गियरबॉक्स जो है एक्चुअली इसका काम है मल्टीप्लिकेशन करना जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं है ना ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम करता है।
और ये मल्टीप्लिकेशन वो करता है किन किन चीजों में, दो चीजों में, एक वो करता है आरपीएम में और एक वो करता है टॉर्क में, है ना। मतलब जो हमारा शायद आप लोगों ने अब तक तो फार्मूला अच्छे से पढ़ लिया होगा, जो भी मैकेनिकल पावर होता है उसका फार्मूला होता है 2πNt, जिसने थोड़ा पढ़ा होगा उसको याद आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय 60 इन वॉट। याद आ रहा है कुछ, किसी को कुछ पढ़ा ऐसा? ये होता है मैकेनिकल पावर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो 2π और 60 ये तो न्यूमरल्स हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना, ये कभी भी वेरी होंगी नहीं फॉर्मूले में। बचेगा कौन? एन और टी। एन यहाँ पे इंडिकेट करता है आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इस पर मिनट को पर सेकंड में मुझे कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने फॉर्मूले में 60 का यूज किया हुआ है, ठीक है। पर एन में जो भी वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे वो आपकी होगी आरपीएम की। एक जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि लेक्चर में हमारे पास 2 मिनट्स बचे हैं ना, ठीक है। सडनली भी खत्म हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिर शुरू करेंगे। और टी जो है आपका, टी यहाँ पे शो कर रहा है टॉर्क। टॉर्क ही वो पार्ट है जो हमारी व्हीकल को पुश कर पाएगा, है ना। आरपीएम से हम गाड़ी को सिर्फ रोल करवा सकते हैं, लेकिन जो रियली फोर्स जो देगा वो टॉर्क ही देगा। तो पावर जो है बेसिकली अब दो चीजों पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ आरपीएम एंड टॉर्क, एन और टी का जो प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट है तो एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को तो कम होना ही पड़ेगा। मतलब अगर लेट्स से पी 100 है तो मैं एन और टी की अलग अलग वैल्यूज कौन कौन सी ले सकता हूँ? एन को 1 लिया तो टी 100 मिलेगा, और अगर मैंने एन को 50 लिया तो टी 2 मिलेगा, है ना, और अगर मैंने 20 लिया तो मुझे उधर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि अगर मैंने आरपीएम बहुत स्लो डाउन कर दिए तो मुझे टॉर्क हाई मिलेगा, और अगर मुझे आरपीएम बहुत ज्यादा चाहिए तो मुझे टॉर्क कम करना पड़ेगा। मतलब एक को बढ़ाऊंगा दूसरे को कम करूंगा। तो ये जो गियर बॉक्स है ये यही करता है, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना रुकना पड़ेगा क्योंकि लेस देन ए मिनट शायद वो बंद करते हैं। कोई डाउट हो तो अपन उस पर बात करते हैं, अगर रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा लग रहा है डाउट तो बताएं। नो सर, आ रही चीज है ना अपन अभी तक रेडिएटर। हाँ हाँ बोले। क्लच ऑटोमेटिक हो गया ऐसे बोले? तुम्हारी आवाज जो है गड़बड़ हो गई, हम लोग सुन नहीं पाए। मतलब हो सकता है मेरे पास नेट का इशू है, फिर से बोले। टाइप कर दे। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ अभी आई, अभी आवाज आई। हाँ रिपीट करें। हेलो बोल दे, गर्वित बोल रहा है ना? नहीं नहीं आदित्य बोल रहा था। आदित्य क्या बोल रहा था? अगर किसी और को सुनाई दिया तो रिपीट कर दे प्लीज। नहीं उसी की साइड से नेटवर्क इशू था, वो लीव भी हो गया। अच्छा लीव कर दिया उसने, फिर ज्वाइन हुआ शायद। कुछ नहीं है, अभी जो हमारे सिस्टम्स हैं अपन जितनी बातें कर रहे हैं ये मैनुअल सिस्टम्स की हम ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमको बेसिक मैनुअल पे बात करना पड़ेगा। अब अभी जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं, वो सब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली हैं, तो बहुत सारे फंक्शन जो है वहाँ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहे हैं वो तो हमको तभी अच्छे से बन जाएगा जब हम उनके पहले वाले जो ओल्ड सिस्टम्स हैं जो कि मैनुअली ऑपरेटेड थे वो जब हम समझ लेंगे, वही सारा काम तो हमको ऑटोमेटिक से करवाना है। मतलब वही काम हमको सेंसर से करवाना है, वही काम हमको किसी माइक्रो कंट्रोलर से कराना है। तो अगर हमें हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम फिर ऐसा सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं जो वही काम कर देगा, है ना। जैसे कि रोबोटिक्स जो है, रोबोट से हम क्या काम करा रहे हैं? वही तो करा रहे हैं जो हम कर रहे थे। तो हमको जब समझ में आ गया कि यार हम ऐसा ऐसा करते हैं, हमने खुद को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, वही काम हमने अब उससे आर्टिकुलेटेड एक मैकेनिज्म से करा लिया, तो उसकी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, उसके लिए कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो सब चीजें हम समझ लें और कर दें, कोई इशू नहीं। अच्छा जितना भी ऑटोमेशन होता है वो सब कहाँ होता है? जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। तो अगर हमको मैकेनिकल सिस्टम्स क्लियर है हमारे माइंड में तो फिर हम उसी के ऑटोमेटेड करने का काम हम अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कोई दूसरी साइंस को पढ़ा हुआ, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है वो उसको अच्छे से करने के बजाय करेगा, उसके बजाय हम अच्छे से कर सकते हैं।
मतलब हमने मैकेनिकल सिस्टम सारे पढ़ लिए, स्टडी कर लिए, अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम अगर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा सीख लेते हैं, कुछ सेंसर के हम बात कर लेते हैं, समझ लें, तो हम हमसे अच्छा शायद फिर उसको और कोई ऑटोमेटेड नहीं बना सकता, है ना। हम ये इतना पार्ट पढ़ेंगे, पैरेलली हम प्रोग्रामिंग और वो करेंगे, फिर देखो कितना मजा आएगा, मतलब उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी मैकेनिकल, है ना। अब शायद कभी भी ये धोखा दे सकती है लिंक। और कोई डाउट सर? ऑटोमेशन में पावर भी ज्यादा लगेगी फिर तो। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन हमारा जो पावर पैक है वो भी हम डेवलप कर चुके हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने बढ़ा ली, ऐसा नहीं है कि हमने वहाँ काम नहीं किया, हमने वो भी इम्प्रूव कर लिया, तो पावर का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। हम पैरेलली ग्रो कर रहे हैं, एक ही चीज पे हम नहीं कर रहे हैं भाई, जो काम पावर प्रोड्यूस करने वाला है वो भी तो अपना काम कर रहा है, बैटरी बनाने वाले बैटरी बना रहे हैं, है ना, चार्जिंग अच्छे से हो जाए उस पर अलग से टीम काम कर रही है, तो पैरेलली हम उस